आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बुलेट है, ठीक है, जिसको हमने फायर किया एट ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो बुलेट है ये अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी पे एक बॉब से इन इलास्टिक कोलिजन करता है, ठीक है, और ये जो बॉब है वो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इन इलास्टिक कोलिजन होने के बाद ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, जो कंबाइंड मास है वो एक मैक्सिमम एंगल 120 डिग्री तक जा सकता है, ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमको पूछा गया कि तो जो ओरिजिनल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था वो कितना था, और ये जो बॉब है इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट कितना है टेकिंग दिस पॉइंट एज एन ओरिजिन, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो बॉब है उसका मास दे रखा है 3m और जो बुलेट है उसका मास दे रखा है m, ठीक है। तो आपको पता है कि जो बुलेट है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जब होगा ट्रैजेक्टरी पे तो उसकी जो वेलोसिटी होगी सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है, दैट इज u cos थीटा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा u cos थीटा, ठीक है। इसकी मास जो है वो m है और ये जाके कोलिजन करता है, ठीक है, एक बॉब से जिसकी मास है 3m और ये है रेस्ट में, ठीक है। तो क्योंकि जो कोलिजन है वो क्वेश्चन में दिया गया कि इन इलास्टिक है, ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन जो ये मास जो यहाँ पास चिपक जाएंगे, ठीक है, तो इनकी जो फाइनल मास हो जाएगी वो जाएगी 4m, 3m प्लस m, ठीक है। और लेट्स से इनकी जो वेलोसिटी है और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है कुछ मान लेते हैं v, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएं, ठीक है, तो जो फाइनल मोमेंटम होगी कितनी हो जाएगी सिस्टम की, दैट इज सिंपली 4m into v, ठीक है, और जो इनिशियल मोमेंटम कितनी थी m u cos थीटा, ठीक है, और ये प्लस 3m इंटू जीरो, ठीक है, ये रेस्ट में था। तो जो v आ गई वो कितनी आ गई, दैट इज m u cos थीटा बाय 4, ठीक है, और ये नीचे एक और m, ठीक है, तो ये आ गई मेरी u cos थीटा अपॉन 4, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि आफ्टर द कोलिजन जो कॉम्बाइंड मास है वो एक मैक्सिमम एंगल ऑफ 120 डिग्री तक जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा अगर पेंडुलम था, ठीक है, यहाँ पे जो कॉम्बाइंड मास आ गया कितना आ गया 4m का, ठीक है, और जो इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, वो कितनी होगी हमने अभी निकाला, दैट इज u cos थीटा बाय 4, ठीक है। तो ये जो एक मैक्सिमम एंगल ऑफ 120 डिग्री जाती है, ठीक है, यहाँ पहुँच के ये फिर वापस आ जाती है, ठीक है। ओके, तो जो ये एंगल होगा कितना हो जाएगा, दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। तो लेट से ये पॉइंट वन है, ठीक है, और ये पॉइंट टू है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं, ठीक है, तो लेट से इसको मान लेते हैं रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी जीपी, दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट वन पे जो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, दैट इज हाफ इंटू टोटल मास 4m इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 16, ठीक है, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो हमने मान रखा है क्योंकि रेफरेंस है, ठीक है। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट पे तो यहाँ पे रहकर बॉब जो है रुक जाती होगी, तो यहाँ पे जो होगी काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज जीरो प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये जो है कितना डिस्टेंस ऊपर गया, अगर ये एल था, ठीक है, तो ये ऊपर गया एल प्लस ये जाएगा मेरा एल साइन 30, ठीक है, ये एल है तो एल साइन 30, तो ये जाएगा टोटल 3L बाई 2। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा, दैट इज एम जी इंटू 3L बाई 2, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 4m होगा, ठीक है, क्योंकि जो कॉम्बाइंड मास है वो 4m है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, दैट इज ये आ जाएगी यहाँ पे 16 इंटू जी इंटू 3L, ठीक है, डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो लेंथ दे रखी है हमको इस बॉब की कितनी रखी है, दैट इज 10 अपॉन 3, ठीक है, और यू जो दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे जो होगा 3L हो जाएगा 10, ठीक है, यहाँ पे अगर वैल्यू डाल दोगे तो कितनी आ जाएगी, दैट इज 16 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2500, ठीक है, ये कट गया, ठीक है। तो जो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, दैट इज 16 अपॉन 25, यानी जो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, दैट इज 4 बाय 5, ठीक है, यानी कि जो थीटा की वैल्यू आ गई, दैट इज 37 डिग्रीज, ठीक है। ओके, तो पार्ट टू में पूछा है कि हमको इस बॉब का जो है इनिशियल जो है कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, टेकिंग दिस पॉइंट एज ओरिजिन, ठीक है। तो आपको पता है कि जो ये पॉइंट होगा दैट विल बी सेम एज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमने बुलेट को जो स्ट्राइक किया था वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाके इस बॉब से कोलिजन करता है, ठीक है। तो ये जो होगी इस बुलेट की जो हाईएस्ट पॉइंट होगी, ठीक है, तो ये अगर हाईएस्ट पॉइंट है तो आपको पता है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, दैट इज ये अगर मेरा रेंज होता है आर, ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, दैट इज
एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर बाई टू और जो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट इज एच, ठीक है। ओके तो जो हमारा हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट डेट विल बी आर बाई टू, ठीक है। तो आर की जगह डाल दो वैल्यू कितना आ जाएगा दैट इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन टू जी, ठीक है। यहाँ पर डाल दो वैल्यू कितना आ जाएगा दैट इज 50 स्क्वायर इंटू साइन टू हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। 2 इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा दैट इज 4 बाई 5, है ना। और साइन 37 कितना हो जाएगा दैट इज 3 बाई 5, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 120 मीटर्स, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया इस बब का। और यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट होगी कितनी होगी एच की वैल्यू, ये होती है दैट इज यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन, सॉरी यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ठीक है। यहाँ पे अगर वैल्यू डालो कितना जाएगा दैट इज 50 स्क्वायर, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर थीटा कितना जाएगा दैट इज 9 अपॉन 16, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2g दैट इज 20। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 45 मीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया मेरा 120 और जो वाई कोऑर्डिनेट आ गया 45, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।